हेलो फ्रेंड्स, प्रेमलतास किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मखाने के लड्डू कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लोटस सीड्स या मखाने के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मखाने या 4 कप मखाने, 2 टेबल स्पून महीन कटे हुए बादाम, 1 टेबल स्पून महीन कटे हुए पिस्ता, 1 टेबल स्पून महीन कटे हुए काजू, 2 टेबल स्पून ड्राई नारियल के चिप्स, 1 टेबल स्पून नारियल का बूरा, 1 टी स्पून इलायची पाउडर, 1/4 कप पाउडर चीनी या 2-3 कप पाउडर चीनी या मिठास के अनुसार आप चीनी कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1/2 कप देसी घी या आवश्यकता अनुसार देसी घी। गैस को ऑन करके हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून घी को गर्म कर लिया है। उसके बाद हम मखाने को डालेंगे और क्रंची होने तक मखाने को हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। मखाने हमारे अच्छे से क्रंची हो चुके हैं। मखाने को भूनने में हमें 3 मिनट का समय लगा है। अब हम इस तरह से एक मखाने को दबाकर देख भी लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़े थोड़े करके 2 बार में मखाने को दरदरा पीस लेंगे और ढक्कन को इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से हमने सभी मखाने का दरदरा पाउडर बना लिया है। पाउडर हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। अब हम एक बाउल में पीसे हुए मखाने, पाउडर शुगर, घी, पिस्ता, बादाम, काजू, नारियल के चिप्स, नारियल का बूरा और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू के मिश्रण को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मनचाहे आकार के लड्डू बना सकते हैं। लड्डू बनाने में फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा सा दूध भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप सभी लड्डू बना लें। फ्रेंड्स, मखाने के लड्डू रेडी है। इसे नवरात्र में या व्रत में बनाकर एंजॉय करें। हम अपने अनुभव प्रेमलतास किचन में जरूर शेयर करें। मेरी रेसिपी के सफर में साथ चलने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।